Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So students, this is your GK class and welcome in your GK class. First of all, students, today as you can see, we will talk about the food. We will talk about food. So why we need food? Yes, tell me why we need food. Yes, we need food to stay alive, to stay healthy, right? So we need food to stay alive and stay healthy means हमें खाने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, डू यू थिंक हाउ डू वी विल बी हेल्दी विद दिस फूड? हम इस फूड को खाकर किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं? वी विल बी हेल्दी इफ वी विल ईट ओनली हेल्दी थिंग्स. ओके, वी ईट लॉट्स ऑफ फूड. वी ईट लॉट्स ऑफ फूड लाइक हेयर यू कैन सी वी ईट लॉट्स ऑफ फूड. फूड वी ईट फ्रूट्स, पिज्जा, ब्रेड, एग, चपातीज, केक, जूस, मीट, वाटर, सैंडविचेस, बर्गर्स, जैम, बिस्किट्स, मिल्क, आइसक्रीम, राइस, चीज, बटर, वेजिटेबल्स एंड स्वीट्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फूड, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड दैट वी ईट. बट स्टूडेंट, डू यू नो दैट फूड आर ऑफ टू टाइप्स? One is healthy food and another one is unhealthy food. There in these food items there are some items, those are healthy for our body, जो हमारे खाने के लिए बहुत हेल्दी हैं. बट सम फूड्स आर नॉट हेल्दी फॉर आर बॉडी. लेकिन कुछ फूड जो है वो हमारे खाने के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. सो फॉर दिस स्टूडेंट्स, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन. कैन यू टेल मी विच आर द जूसी फूड इन दीज फूड्स? आप बता सकते हैं कि इन फूड में से जूसी फूड कौन सा है, मतलब जिस फूड में जूस होता है. सो कैन यू टेल मी? यस. सो स्टूडेंट्स, यस, गुड. फ्रूट्स, फ्रूट्स आर जूसी फूड बिकॉज फ्रूट्स कंटेन लॉट्स ऑफ जूस इनसाइड देम. जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारा जूस होता है. ओके, सो फ्रूट्स कंटेन फूड्स, फ्रूट्स आर जूसी फूड्स. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आर नेम द जंक फूड्स इन दिस फूड आइटम्स? नेम द जंक फूड इन दीज फूड आइटम्स. अब आप कुछ जंक फूड्स के नाम बता दीजिए जो इन आइटम्स में जंक फूड्स हैं. यस, जंक फूड मीन्स दैट मेड विथ होल फ्लावर, मीन्स मैदा से बनी है जो चीजें, दैट आर कॉल्ड जंक फूड. सो कैन यू टेल मी विच थिंग्स आर जंक फूड हेयर? यस, गुड. ब्रेड, सॉरी, पिज्जा. यस, ब्रेड, वेरी गुड. देन केक, यस, सैंडविचेस, नाइस, गुड, इट्स बर्गर. देन यस, जंक फूड, आइसक्रीम, स्वीट्स, बिस्किट्स, है ना, दीज आर द जंक फूड्स. एंड दिस जंक फूड इज not healthy for our body. These junk foods are not healthy for our body. These are unhealthy foods. Now can you tell me some healthy food in these pictures? Yes, can you tell me some name of healthy food in these pictures? Yes, the food that when we eat them we feel they will मेक अस हेल्दी, ऐसा फूड जिसे खाने से हम हेल्दी होते हैं. सो कैन यू टेल मी? यस, फर्स्ट इज फ्रूट्स, वेरी गुड. नेक्स्ट इज, यस, एग. एग इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन दैट बिल्ड आर मसल्स. ओके, सो एग. देन चपातीज, वेरी गुड. देन मीट, यस, वाटर,
and milk, rice, vegetables, cheese. So these are the some healthy food items. These are some healthy food items. Now students, I will show you some pictures that are the pictures of some healthy foods, only healthy foods. Okay, so now here you can see, here are the some pictures of healthy food. Eating good food help us grow and keeps us healthy. Means जब हम अच्छा खाना खाते हैं, good food means अच्छा खाना, ये हमारी help means help करता है to grow, हमें बढ़ने में, और and keep us healthy, और हमें healthy रखने में. Okay? So what type of healthy food we should eat? तो हमें कैसा food खाना चाहिए, कैसा healthy food खाना चाहिए? That is, so students, these are the name of some healthy foods like meat, milk, fish. Fish is rich source of omega 3 oil. Okay, then bread, rice, eggs, fruits and vegetables. These are the name of some healthy food. Meat, milk, fish, bread, rice, eggs, fruits and vegetable. So students, these are the healthy food. So what is healthy food? Healthy food, healthy food is fresh and of many colors like vegetables, cereals, fruits and pulses. Okay, so जो healthy food होता है उस वो क्या होता है, fresh होता है और बहुत सारे उसमें colors होते हैं. Like you can see here in these fruits and vegetables, there are lots of color in this fruit and vegetables, and these all fruits are very juicy and these all vegetables are very healthy to eat. Okay, and the some healthy foods like cereals जो अनाज हम खाते हैं, like this rice, wheat से हमारी चपाती बनती है, है ना. So these all are the healthy foods. So we grow healthy if we eat healthy. We grow healthy if we eat healthy. हम जो है वो अगर healthy खाना खाएंगे तो हम healthy grow करेंगे, ठीक है. Means हम अच्छे से बड़े होंगे, हमें किसी तरह की कोई disease नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, है ना. और हमारा mind, हमारा brain जो है वो बहुत sharp होगा. So students, always eat healthy food. We should only eat healthy food. Now students, I am going to show you some unhealthy foods. So healthy food you can see here, healthy food is banana, bread, onion, milk, rice and chapatis. These all are the healthy food items. Now the some healthy food, unhealthy food. Unhealthy food is a food with lot of sugar, oil and not fresh. Means unhealthy food जो होते हैं, like burger, pizza, french fries, toffees, momos and chowmin. These foods have lots of sugar. Means इनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, चीनी होती है, like toffee, chocolate and your tin fruit juices, है ना, cakes, pastries. These all are unhealthy food and they include contains very much amount of sugar. और उनमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में sugar होती है, चीनी होती है, oil होता है and और ये जो है fresh भी नहीं होते हैं ना. Means fresh means के जैसे अभी हमने बनाया और अभी खा लिया, ये सारे जो है packed food होते हैं. Means ये pack होते हैं और बहुत दिन से स्टोर करके रखे होते हैं. सो दीज आर नॉट फ्रेश. फ्राइड फूड, फूड्स, पिज्जा, बर्गर मेक अस फील लेजी एंड आर कॉल्ड जंक फूड. फ्राइड फूड जो होते हैं लाइक फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, दिस चौमिन एंड बर्गर, दे व्हेन वी ईट दिस टाइप ऑफ फूड, व्हेन वी ईट दिस टाइप ऑफ फूड, इट मेक्स अस लेजी. ये हमें कैसे बना देते हैं, लेजी बना देते हैं, मीन्स आलसी बनाते हैं. अगर हम इस तरह का खाना खाते हैं लाइक पिज्जा, बर्गर, चौमिन, फ्रेंच फ्राइज, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा मैदे वाला, है ना. सो दे कीप अस
मेक्स अस लेजी, हमें आलसी बना देते हैं. मीन्स हम जो है एक्टिव नहीं रहते हैं, बस एक जगह बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं खाते रहते हैं. सो दीज ऑल फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड. इट कैन मेक अस सिक. और ये सारा जंक फूड अगर हम खाते हैं तो ये हमें बीमार कर देता है. इट मेक अस सिक, ठीक है. और इट सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्ड्रन कंप्लेन दैट वी हैव स्टमक एक. ज्यादातर बच्चे बोलते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है. सो व्हाई इट हैपन्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दीज डेज ईट्स दिस अनहेल्दी फूड. लेकिन आज, क्योंकि आजकल के टाइम में ज्यादा बच्चे ये अनहेल्दी फूड ही खाते हैं. चिप्स खा लिए, बर्गर खा लिए, टॉफी, चॉकलेट, मोमोज, है ना. सो जब आप ये सब इस तरह का अनहेल्दी खाना जो है आप इसमें खाते हो, रूटीन में खाते हो, तो आप बीमार हो जाते हो. ओके, सो वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, नॉट दिस अनहेल्दी फूड. ओके, सो दिस फूड इज गुड फॉर आर हेल्थ एंड दिस फूड इज नॉट गुड फॉर आर हेल्थ, ठीक है. तो जो ये फूड है ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम हेल्दी फूड, दैट इज फ्रूट, ठीक है. फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी फॉर आर बॉडी, है ना. फ्रूट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट समथिंग मोर अबाउट फ्रूट्स. सो हेयर आर सम फ्रूट्स नेम, लाइक फर्स्ट इज मैंगो एंड देन एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, ब्लैक प्लम, गुआवा, पॉमीग्रेनेट, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, चेरी एंड पाइनएप्पल. सो स्टूडेंट्स, दीज ऑल फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी फॉर अस. दीज ऑल फ्रूट्स आर वेरी जूसी, वेरी न्यूट्रिशियस. मतलब ये बहुत, इनमें बहुत सारा जूस होता है, इनमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, है ना. सो व्हेन वी ईट दीज फ्रूट्स, दीज ऑल फ्रूट मेक्स अस हेल्दी एंड वी कैन ग्रो हेल्दी. ये हमें हेल्दी बनाते हैं और हम फिर उनसे क्या होते हैं, हेल्दी रहते हैं. लाइक बनाना इज अ रिच फ्रूट ऑफ आयरन, कैल्शियम. ऑरेंज इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. गुआवा इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. एप्पल इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, है ना. सो ऑल दीज फ्रूट्स हैव डिफरेंट क्वालिटीज. इन सब की, फ्रूट्स की जो है अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, जिनको खाने से हम सब हेल्दी हो जाते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई विल आस्क सम क्वेश्चन टू यू रिलेटेड टू दिस दीज फ्रूट्स. सो कैन यू टेल मी विच फ्रूट इज द किंग ऑफ फ्रूट्स? यस, which fruit is the king of fruits? Can you tell me this? Yes, very good. Mango is the king of fruits. Mango को जो है फलों का राजा कहते हैं. Mango is the king of fruits. Now tell me which fruit is, when which fruit that keeps a doctor away? If we eat this fruit, we can keep doctor away. Yes, do you know? Okay, let me tell you. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. It means कि जब हम दिन में अगर हम एक एप्पल को खाते हैं तो हम डॉक्टर को अपने से दूर रखते हैं. मींस अगर हम एप्पल खाएंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई डिजीज नहीं होगी, और जब कोई डिजीज नहीं होगी तो हम बीमार भी नहीं होंगे, है ना, और हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे. सो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, राइट. नाउ स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी विच फूड इज ईजी टू ईट without peel it or without cut it? Which fruit is that? Which fruit is easy to eat without cut it and without peel it? Yes, you can say guava or you can say strawberry. Strawberry is very easy to eat. You take a strawberry, wash it and then eat it. No need to cut it, no need to peel it. Okay, so strawberry is very easy to eat.
Now onwards, students, you will promise yourself that you should always eat healthy food. आप सब अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप हेल्दी फूड खाएंगे. यू विल ईट मोर फ्रूट्स, मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, मोर वेजिटेबल्स, मोर पल्सेस, मोर मोर मीट, फिश एंड एग्स. यू विल ईट ओनली हेल्दी फूड, नॉट अनहेल्दी फूड. ठीक है, अनहेल्दी फूड को आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, मोमोज, चॉकलेट्स, कैंडीज, टॉफीज. दीज ऑल आर द अनहेल्दी फूड एंड यू विल नॉट ईट दैम बिकॉज दे विल मेक यू सिक. वो आपको बीमार कर देंगे. ओके, सो प्रोमिस इट विद योर सेल्फ. अपने आप से प्रोमिस करिए कि आप जो है हमेशा हेल्दी फूड ही खाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल शो यू सम वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स आर ऑल्सो गुड फॉर आर हेल्थ. सो हेयर यू कैन सी टमाटो, पोटैटो, कैरेट, अनियन, चिलीज, जिंजर, लेडी फिंगर, cauliflower, cabbage, brinjal, pumpkin and capsicum. These all vegetables are also good to eat, good for our health, and they are very colorful, and we should eat only green vegetables. और हमें जो है green vegetables जो है वो ज़रूर खानी चाहिए. So student, this is all about the our food, healthy food and our fruits. Now I will show you your worksheet, what you will do in that worksheet. This is your worksheet. In this worksheet, here is topic fruits we eat. So here I am draw some fruits. First is apple, from you should then mango. Watch the pictures and identify the fruit and read their names. Okay, mango, mango, mango. Then grapes, grapes, grapes. Then banana, banana, banana. Pineapple, pear, pear, pear. Orange, orange, orange. Cherry, cherry, cherry. Kiwi, 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 kiwi. Then strawberry, straw, berry, berry, strawberry. Now the second question is, fill the missing letter for each of the following. Here I am giving you some pictures of fruits and you will complete their name, complete this fill up. So first is cherry, cherry. Okay students, so first look at this picture. Which picture is this? Which fruit is this? Yes, cherry. So we will complete this spelling and fill this fill ups. Write the letter in this fill up. So cherry, cherry. Okay, cherry, cherry. Then pear, pear, pear. Then apple, an apple a day keeps the doctor away. apple, apple. Then kiwi, kiwi, it's kiwi. So these are the some fruits, healthy fruits. Now students, healthy foods we eat. Here are the name of some healthy foods like fruits, vegetables, pulses, cereals, egg, fish and meat. Fruits, you all know the juicy and fleshy thing, they are called fruits. Vegetables you all know, pulses, the seeds of a plant is called pulses. Cereals are also the seeds of the plants. Egg, hen lays egg. Fish you all know. Meat is the flesh of animals. Okay, some animals that we can eat like goat, hen. Okay, so these are called meat. Now students, color the healthy foods. Here are some pictures of different type of foods. What you will do, you will color only healthy foods like beans. First is beans, beans, beans. Beans are healthy for us? Yes. So we will color it. Then soda. Soda is not
good for our health, so we will not color it. Fish, yes, fish is a healthy food, so we will color it. Then candy cane, so it is not good for our health. Carrot, yes, carrot is good for our health, so we will color it with red. Then candy, candies are not a good healthy food, so we will not color it. Then strawberry, yes, strawberry is healthy food, so we will color it. Cupcakes, no, cupcake is a junk food, so we will not color it. Then grapes, yes, grape is a healthy fruit, so we will color it. So students, you will color all the healthy food that we can eat and all the junk food that we cannot eat. Okay, so now this is all about your GK worksheet. Now do this worksheet in neat and clean handwriting and draw these pictures and color these pictures neat and clean. Okay, till then, stay home, stay safe, take care of yourself. Bye.